मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी है। अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात हैं गर्मी को लेकर वो हम जानेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस समय। भोपाल से विवेक पांडे हैं, उज्जैन से संतोष हैं, रायपुर से रवि मिरी हैं और बेमित्रा से हैं दिलीप शर्मा। सबसे पहले विवेक आपके पास आ रहा हूँ मैं। प्रचंड गर्मी है पूरे देश में इस समय, भीषण गर्मी हो रही है, जानलेवा साबित हो रही है क्योंकि इस भीषण गर्मी से कई लोगों की जान भी चली गई है। नौतपा का तीसरा दिन है, भोपाल में क्या हालात विवेक? देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया था और बताया था कि तापमान में वृद्धि होगी और 15 मई से लगभग नौतपे का ये आज तीसरा दिन है। तापमान की बात कर ली जाए तो 11:30 बजे से ही तापमान 41 डिग्री के पार हो गया है और आगे का जो शेड्यूल रहेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो ये 45 डिग्री के पार भी तापमान भोपाल का हो सकता है। और ये इस गर्मी का पहला दिन था कल का जहां 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के चलते कई स्कूलों में जो छुट्टियां थी वो पहले ही घोषित कर दी गई थी, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि ये 15 जून तक तपिश बरकरार रहेगी। हालांकि नौतपा का ये तीसरा दिन है लेकिन जो तापमान में वृद्धि है वो फिलहाल देखने के लिए मिल रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये तापमान बरकरार रहेगा और ऐसे में प्रदेश में कई जिलों में बारिश के भी आसार बन सकते हैं। मौसम विभाग का ये कहना है फिलहाल 15 जिलों में लू का अलर्ट है, लेकिन राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी में तपिश बरकरार है और ये तपिश जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज और ऊपर चढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा। अभी बिल्कुल 12 बज रहे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर है राजधानी भोपाल का, 3 बजे ये टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। विवेक बने रहिएगा आप हमारे साथ। उज्जैन का रुख कर लेते हैं, संतोष कृष्णानी वहां पर मौजूद है। संतोष, उज्जैन में क्या कुछ हालात हैं गर्मी को लेकर बताइए जरा। बिल्कुल, उज्जैन में भी 44 डिग्री से भी पारा ज़्यादा चढ़ गया है, जिस प्रकार लग रहा है कि रेगिस्तान जैसा माहौल उज्जैन में आ चुका है और कई लोग जो हैं गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। ये युवा हैं जो अपने कामकाज पे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी गर्मी सताने लगी है तो गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं जैसे इनको गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और गर्मी का अगर कोई साथी है तो वो है गन्ने का रस पियेंगे तो कम से कम आपको लू की चपेट में नहीं आ सकते हैं। और ऐसे ही जितने भी गन्ने के स्टॉल्स हैं वहाँ पर ग्राहकों का जो आवक है वो बढ़ गई है, यहाँ तक हम इनसे बात भी करते हैं। भैया, गर्मी सताने लगी बहुत ज़्यादा, क्या सहारा ले रहे हैं? गन्ने का रस पी रहे हैं। भैया, आप भी गन्ने का सहारा? हाँ, गन्ने का रस, गन्ने का सहारा ले रहे हैं। गन्ने का सहारा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी सताने लगी और कई लोग जो आपको हम चौराहे की दिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार जो भीषण गर्मी है, कई लोग जो हैं यहाँ पे आवाजावज तो कर रहे हैं लेकिन कपड़ा बांध कर चल रहे हैं क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है पूरे शहर में चल रहा है। 44 डिग्री से भी ज़्यादा सेल्सियस यहाँ हो चुका है और रात की तापमान करें तो रात में भी 30 से 31 डिग्री का सेल्सियस तापमान बैठ चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती थी वैसा ही नज़ारा उज्जैन में भी मध्य प्रदेश की धरती जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सहारा लेते हुए नज़र आ रहा है और क्योंकि जिस प्रकार जो भीषण गर्मी है उसमें आपको और हमको सचेत होना पड़ेगा, जगह जगह पर वृक्षारोपण करना पड़ेगा क्योंकि वृक्षारोपण करेंगे तभी कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से हमको निजात मिल सकती है। तो ये पहल आपको और हमको शुरू करना होगी, अन्यथा देखने में आता है कि 44 डिग्री 45 डिग्री कई राज्यों में तो कई 47 डिग्री तक पारा भीषण गर्मी का कारण पहुँच चुका है। निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी हर साल बढ़ती ही जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं, लगातार बढ़ रही है, हो रही है और भीषण गर्मी की चपेट में देश पूरा इस समय हम देख रहे हैं। लू का अलर्ट है, लू का अलर्ट है कई स्थानों पर। ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं, रवि मिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, रायपुर का मौसम क्या कुछ कह रहा है, कितनी गर्मी है वहाँ पर, क्या हालात है गर्मी को लेकर? रवि, लोग सड़कों पर बहुत कम निकल रहे हैं पहले की तुलना में और इस भीषण गर्मी से राहत कैसे मिलती है उस नज़ारे को मैं आपको दिखाता हूं कि अभी जितनी गर्मी है तो लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ठंडा हो जाए, गन्ना जूस पी रहे हैं यहां पर। और यहां पर क्या बना रहे हैं भैया? जूस, मौसमी जूस। आ रहे हैं लोग? बहुत कम। कितनी गर्मी पड़ रही है? 48 होगा। बहुत ज़्यादा। देखिए, जहाँ फल फ्रूट के दुकान होते हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और गर्मी कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार लगातार देखा जा रहा है कि सामने देखिए दो भैया लोग हैं, पूरा
गमछा बांध के चल रहे हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, आजकल दोपहर में निकल पाते हैं? नहीं, मुश्किल है निकलना। दोपहर में निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि भीषण गर्मी है। रायपुर में टेम्परेचर अभी इस वक्त 42 डिग्री के आसपास है, जो कि दोपहर में और बढ़ जाएगा। सड़कों पे आप बहुत कम लोगों को देखेंगे, और यहाँ देखिए जो दुकानें हैं जहाँ पे नारियल पानी बिकता है, उन दुकानों पे अब लोग आ रहे हैं, वहाँ नारियल पानी पी रहे हैं और मौसम्बी का जूस पी रहे हैं, और कुछ और लोग उनसे बातचीत करेंगे। कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत है। काम क्या करते हैं? काम ट्रेवल्स का है। अच्छा, आप लोग को तो ज़्यादा दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत होती है। कितने दोपहर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या करते हैं राहत के लिए? राहत के लिए अपन गाड़ी वाले हैं तो एसी चालू कर लेते हैं, नहीं तो फिर शर्ट वर्ट निकालो और बस पंखा मारते रहो, नहीं तो ठंडा पियो फिर कुछ। हाँ, ये देखिए दुकान में कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आप? मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इस वक्त? बहुत भीषण गर्मी है सर, फिर भी निकले हैं काम करने के लिए। अपना काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। जी जी। राहत के लिए क्या करते हैं? यही जूस वगैरह पीने आते हैं, नारियल पानी हो गया, ये जूस हो गया। सुमित, भीषण गर्मी है, दोपहर में और गर्मी बढ़ जाएगी, लोग मुश्किल से ही घर से निकल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार बिल्कुल जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा रवि, वैसे वैसे गर्मी की तपिश और जो सूरज के जो तेवर हैं और तीखे होते जाएंगे। अब चलिए बेमित्रा का रुख कर लेते हैं। दिलीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बेमित्रा से, और बेमित्रा छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा गर्म एरिया है, इलाका है। दिलीप, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप वहाँ पर गर्मी को लेकर? देखिए सुमित, पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला बेमेतरा रहा है, और मैं इस वक्त बेमेतरा में ही हूँ। यहाँ पर तापमान लगभग 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो छत्तीसगढ़ का पिछले 24 घंटों में सबसे गर्म जिला रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ के सबसे कम तापमान वाला जिला रहा है अंबिकापुर, जहां पर 24.6 तापमान रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज ग्रीष्म लहर चलेगी। मौसम विभाग ने इस तरह से सूचना जारी की है, संभावना व्यक्त किया है, जिसमें से दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 1-2 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अभी कई जिले ग्रीष्म लहर की चपेट में है, बहुत गर्मी है, लोग खाने पीना कम कर दिए हैं, पानी की ज्यादा बिल्कुल। दिलीप, हम लगातार देख रहे हैं आपको, 3-4 दिन हो गए हैं आप बेमित्रा में, 44 डिग्री तापमान में जो फैक्ट्री में हादसा हुआ था उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार तैनात है, डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। क्या कुछ आपको देखने को मिला है गर्मी को लेकर? क्या कुछ परेशानियां आपको आई हैं इस भीषण गर्मी में रिपोर्टिंग करने के दौरान? दिलीप, देखिए सुमित, मैं पिछले 3 दिनों से इस बेमेतरा जिला में हूँ, और जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसकी पूरी न्यूज़ कवर करता हूँ, और पिछले 3 दिनों में सबसे गर्म जिला बेमेतरा ही रहा है। यहाँ पे लोग गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं जो रिपोर्टिंग की अपनी बात करूँ तो मैं 10 किलोमीटर पैदल चला हूँ, और पैदल चलने की वजह से जो हमारा शरीर है जो पूरे पसीने से तरबदर हो गया था, जो कपड़े हैं वो पसीने की वजह से सफ़ेद हो गए थे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से बारूद की फैक्ट्री है, तो आसपास के एरिया पूरा तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पर लगातार गर्म बढ़ रही है। अभी देखिए 12 बजे का वक्त हुआ है और गर्मी ऐसा लग रहा है कि मानो कि सूरज आग उगल रहा हो। तो बिल्कुल आसमान से आग बरस रही है, आसमान से आग बरस रही है, चाहे भोपाल हो, उज्जैन हो, रायपुर हो या बेमित्रा हो, हर कहीं कमोवेश एक जैसे ही हालात हैं। सूर्य देवता के तीखे तेवर सभी लोगों को परेशान किए हुए हैं।